छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम मोदी ने वोटर्स को साधने की कोशिश की, तो वहीं मध्य प्रदेश के सागर में राहुल गांधी ने भी रैली को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने संभाला चुनाव प्रचार का मोर्चा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम मोदी की रैली, मध्य प्रदेश के सागर में राहुल गांधी की सभा। छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव, मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को पहले चरण का चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, चाय वाला पीएम बन गया तो कांग्रेस को पच नहीं रहा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार कांग्रेस की किले में सेंध लगाने की कोशिश। पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 72 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे यानी पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया है। पीएम जब अंबिकापुर में रैली करने पहुंचे तो लोगों के साथ उन्होंने ढोल बजाया। उसके बाद पीएम ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि चाय वाला पीएम बन गया तो इसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नेहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, अरे देश छोड़ो, एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। जब 4 पीढ़ी तक तुम बैठे थे, तुमने क्यों नहीं किया? 4 पीढ़ी तक तुम लोग बैठे थे, तुमने क्यों नहीं किया? ये तो जवाब बताओ। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे क्या? और रमन सिंह ने आकर के उखाड़ के फेंक दिया क्या उसको? वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मोर्चा संभाल रहे राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम किसानों की नहीं सुनते हैं। मध्य प्रदेश के जो किसान है उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आज आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, आज आपसे वो छीन लिया जाता है, भ्रष्टाचार में छीन लिया जाता है और आपको नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी ने 4.5 साल में 3,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का बात किया है, चुने हुए अपने 15-20 उद्योगपतियों को दिया है।